उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों के बाद अब राज्यसभा के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। देश भर में राज्यसभा की 27 खाली सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें से 11 सीटें उत्तर प्रदेश के हिस्से में है। चुनावी गणित के हिसाब से प्रदेश में बीजेपी के सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना है। विधायकों की संख्या के आधार पर 7 सीटें बीजेपी और 3 सीटें सपा को मिल सकती हैं, जबकि एक सीट के लिए इन दोनों ही दलों के बीच जोर आजमाइश होगी। इन 3 सीटों को लेकर पार्टी में जद्दोजहद जारी है। माना जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 3 में से एक सीट अपने गठबंधन के सहयोगी आरएलडी को दे सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कोटे से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन भी सपा की सीट से राज्यसभा जाने के दावेदार हैं। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू हसन को भी सपा के कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसकी भी काफ़ी चर्चा है। सपा के एक अन्य सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटे को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अखिलेश यादव के करीबी नेता ने बताया कि आजम खान भी अपने एक हितैषी के लिए राज्यसभा का टिकट चाहते हैं। सपा के कई वरिष्ठ नेता भी अपनी दावेदारी जताने में लगे हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करना टेढ़ी खीर होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो जयंत चौधरी का नाम है। यूपी के जाटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले जयंत चौधरी का राज्यसभा भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। मालूम होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर साल 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। सपा आरएलडी गठबंधन भले ही बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सका है, लेकिन जयंत चौधरी के 9 विधायकों ने जीत का परचम लहराया था और जयंत चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बाहर हैं। 8 साल के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण ऐसे बने जिससे माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव राज्यसभा भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी में राज्यसभा के जिन 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं, उनमें सपा के रेवती रमण सिंह, विशंबर प्रसाद निषाद, सुखराम सिंह यादव का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने तीनों ही राज्यसभा सदस्यों को दोबारा से भेजने के मूड में नहीं है। ऐसे में सपा अपने पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को भेजने के लिए मंथन कर रही है, जिसमें जयंत चौधरी का नाम सबसे आगे है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।